के दिन शनिवार को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी मनीष कुमार के द्वारा अचानक अपने कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में बरसों से अपना समाज सेवी के रूप में पहचान बनाने वाले मनीष कुमार, जो पिछले दो सालों से अपने आप को भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के चुनाव लड़ने का लगातार दावा पेश कर रहे हैं एवं अपने पूरे तैयारी के साथ 2019 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, इस स्थिति में मनीष कुमार पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले दो दिन पहले मनीष कुमार बिना कोई सूचना के अपने सक्रिय सदस्यों के साथ गढ़वा के उत्सव गार्डन में अचानक आपातकालीन बैठक कर तृणमूल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पलामू प्रमंडल के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा के उपस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बार भानु को नहीं बल्कि मनीष कुमार को पगड़ी बांध चुके हैं पूर्व सांसद। लोगों में ऐसा चर्चा बना हुआ है कि 2004 में पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही के माथे पर पगड़ी बांधकर उनके राजनीतिक जीवन में अहम भूमिका निभाया था, तब जाकर वे विधायक बनने में सफल हो पाए थे। लेकिन इस बार कामेश्वर बैठा 2019 विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए मनीष कुमार के सिर के ऊपर पगड़ी बांध चुके हैं और उनके सहयोग के लिए क्षेत्र में दौड़ चुके हैं। नहीं चलेगी राजशाही। साथ ही पूर्व सांसद सह तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर बैठा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिए कि भवनाथपुर की जनता दोनों राजाओं के राजशाही से अब उब चुकी है और वहां पर मनीष कुमार का इंतजार है, क्योंकि दो राजतंत्र से जनता लोकतंत्र की जिंदगी भूल चुकी है। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से जयकारी लगाकर कार्यक्रम की समाप्ति की। और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।